दोस्तों, अगर आप सभी लोग पार्टी स्टूडियो का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है सेंड फीडबैक। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि इसका क्या यूज है, इसको कैसे यूज करते हैं। अगर आप इसके बारे में फुल डिटेल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें। अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसे ही मैं सेंड फीडबैक पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं सेंड फीडबैक पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ऐसा इंटरफेस आता है, तो यहाँ से यह ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ टाइप करने के लिए आता है, मैं बताता हूँ कि इसमें आपको क्या लिखना होता है। जैसे आपको बैटरी स्टूडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को यहाँ शेयर कर सकते हैं, या आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए बैटरी स्टूडियो में तो आप यहाँ इनको बता सकते हैं, और यहाँ से आप स्क्रीन शॉट लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यह स्क्रीन शॉट लगा हुआ है। यहाँ से आप इसका कलर वलर भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो लगाने के बाद, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के बाद, सब कुछ लिखने के बाद, यहाँ पर एक सेंड का बटन होता है। यहाँ से आपको यह जो फीडबैक है वो सेंड हो जाएगा और इसका वह यूट्यूब टीम इसका रिव्यू करेगी। अगर यह प्रॉब्लम लगती है कि सभी को यह प्रॉब्लम आ रही है तो वे इस प्रॉब्लम को आसानी के साथ सॉल्व कर देंगे और आपको थैंक यू भी कहेंगे। तो दोस्तों, आज से करते हैं आपको सुनाई होगी। पसंद आया तो लाइक करें, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।